भी गर्मी मेरे पति पे दी छोटे बहुत ही ज्यादा कठिन समय है। पाकिस्तान को तो हम कहते हैं उड़ा दे पूरा बम से, पाकिस्तान को नक्शा से ही हटा दे। गुरुवार की दोपहर शहीद पिंटू सिंह के आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने शहीद पिंटू सिंह के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद वो परिजन से मिले। इस दौरान वो मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार परिजन से मिल करके उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। उस आश्वासन के बारे में उनके परिजन से मैं जानना चाहूँगा, क्या आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री जी बोले कि शहीद की वीरांगना को तो नौकरी दी ही जाएगी, बिहार सचिवालय हो या मुजफ्फरपुर हो या बेगूसराय हो, जहां वो चाहेंगी उनकी इच्छा से उनकी नौकरी दी, उनको नौकरी दी जाएगी और उनके परिजन को भी भरपूर सहयोग किया जाएगा। शहीद पिंटू सिंह की वाइफ बीते दिनों से बेसुध पड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें आज होश आया। बोले हैं जो पिंटू साहब का कर्तव्य था, जो करना चाहते थे वो हम आपको देंगे, आप कीजिएगा। जो उनका सपना था उस लाइफ हम आपको बना देंगे, आप पूरा कीजिएगा। उनका सपना था कि उनको डॉक्टर बना लो, तो वो कोशिश करेंगे कि उनको डॉक्टर बना दिया। घर वाले परिवार सबका नीचे था, गर्व था, मुझे भी गर्व है मेरे पति पे। मुझे अपने पति पे बहुत गर्व है। जो घटना घटी है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आतंकियों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, मोदी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कठोर कदम उठाए, ना मिले किसी को ऐसा दुख ना दे। बहुत बहुत ही ज्यादा कठिन समय है। वो यही कहे कि जो भी आतंकवादी है उसको खत्म कर दे, और हर जवान को ऐसा सुविधा दे जो अपने परिवार से इतना दूर ना रहे, उसको कम से कम साथ रहने का मौका मिले। दर्द बहुत ज्यादा है, बयान नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो हम कहते हैं उड़ा दे पूरा बम से, पाकिस्तान को नक्शा से ही हटा दे, जो रहे ही नहीं पाकिस्तान। हम सख्त नफरत करते हैं पाकिस्तान से, नक्शा से ही हटा देना चाहिए। क्या एक दो करके क्यों एकदम समाप्त कर दे पाकिस्तान को? जो भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट है? वो उससे क्या होता है, एक बार मोदी सरकार करके आते हैं, उसके बाद 2, 4, 10, 5 हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। वो ऐसा कुछ करे कि कभी ये दिन ही ना आए।